रायपुर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद दुबे पर पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथ को अपने कुर्ते में लगाकर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उनकी शिकायत करने भाजपा नेता नरेश चंद्र गुप्ता निर्वाचन आयोग पहुंचे और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू को ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल अभी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में एक शिकायत लेकर आया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अभी लंच कर रहा है, तो उन्होंने आधे घंटे बाद का समय दिया, तो मैं आपको वो ब्रीफ कर देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी आज सुबेरे से लगातार शिकायत कर रही है कि शहर के प्रथम नागरिक इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद दुबे अपने पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ लगातार मतदान स्थल पर जा रहे हैं और चुनाव चिन्ह के साथ मतदान किया, उनको प्रतिबंधित नहीं किया गया। जो जब मतदान करने गए तो पीठासीन अधिकारी ने उन्हें रोका, चुनाव चिन्ह के साथ नहीं जाए, तो उनके साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया। उसके बाद अभी तक 214 नंबर बूथ में भी वो अपने पार्टी सिंबल के साथ सारे बूथों पर जा रहे हैं और कैंपेनिंग कर रहे हैं, और इसकी शिकायत हम लगातार पिछले 4 से 6 घंटों से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, एडिशनल CO तथा पर्यवेक्षक से कर रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसी प्रकार से महापौर जब नामांकन भरने गए तो भी दुपट्टे में उनका चुनाव चिन्ह था, जिसकी भी शिकायत हमने जिला निर्वाचन अधिकारी से की थी, जिला निर्वाचन अधिकारी ने कोई काम नहीं किया। इनके चिट्ठी का जवाब वही आता है जो चीज इनको फाइंडिंग निकल जाती है, या जो चीज आपकी शिकायत सही नहीं पाई गई उसी की देते हैं। और हमने जो शिकायतें आज तक की है, जो शिकायत सही है, उस शिकायत पर कोई कार्रवाई ना CO करते हैं ना जिला निर्वाचन अधिकारी कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में जिला निर्वाचन कार्य में लगा हुआ पूरा प्रशासन तंत्र इंडियन नेशनल कांग्रेस के एजेंट के रूप में इस प्रदेश में काम कर रहा है। जनता को वोटिंग स्लिप नहीं बांटी गई, 50% से ज्यादा वोटिंग स्लिप नहीं बांटी जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बांटा जाता है, यह हाल है। इसी प्रकार से इनके एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्पोक्समैन मतदान करने जाते हैं और VVPAT से निकली हुई पर्ची का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं, उसकी शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसी प्रकार से हमने मुख्यमंत्री के बहुत करीबी लोगों का, जो शासकीय पद पर बैठे हैं, जो शासकीय अधिकारी हैं, शासकीय कर्मचारी के रूप में तनख्वाह ले रहे हैं, उनकी शिकायत की। 144 धारा के उपरांत भी कांग्रेस के लोगों ने जो प्रदर्शन किया उसकी शिकायत की, लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिला निर्वाचन अधिकारी रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, कोरबा, विशेष रूप से रायपुर और कोरबा के जिला निर्वाचन अधिकारी कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, और उनके खिलाफ CO कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, सुनते नहीं है, सिर्फ कार्रवाई कर रहे हैं बोलते हैं और कार्रवाई नहीं करते हैं। बीजेपी के भी कुछ ऐसे जो जो यदि अनुचित अवैधानिक कार्य करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।